गुड मॉर्निंग नाइन्थ क्लास स्टूडेंट्स। देखिए बेटा, आज हम आपके पार्ट 11 सवैये पढ़ेंगे पद का। इसके कवि है रसकान। रसकान जी हिंदी साहित्य के कृष्ण भक्त कवि थे। कैसे भक्त थे? कृष्ण भक्त कवि थे। इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। रसकान जी का मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम था। और इनका जन्म 1548 ईस्वी के आसपास पठान परिवार में दिल्ली में हुआ था। ये एक राजकीय परिवार से संपर्क रखने वाला परिवार था, इसलिए इनका जन्म जो है अच्छे परिवार में हुआ था। पठान परिवार था और कहाँ हुआ था? दिल्ली में हुआ था। और किस सन में? 1548 के आसपास हुआ था। इनके गुरु ये एक कृष्ण भक्त थे। मैंने आपको पहले बताया रसखान जी कृष्ण भक्त थे। कृष्ण भक्ति से प्रभावित होकर इनके जो गुरु गोस्वामी विठल दास जी ने इन्हें अपना शिष्य बना लिया। कि इनकी भक्ति को देखकर विठल दास जी ने रसखान जी को अपना शिष्य बनाया था। और इन्होंने श्री कृष्ण भक्ति का बहुत ही अगाध प्रेम अपने पदों में दर्शाया है। रसखान जी अपने पदों में ब्रज की जो भूमि है उसके बारे में या श्री कृष्ण से जुड़े हुए जितने भी कार्य हैं उन सभी को अपने पदों में दर्शा रहे हैं। और इनका निधन सन 1628 ईस्वी के आसपास हुआ था। इनका निधन कब हुआ? 1628 ईस्वी के आसपास हुआ था। अब इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो देखिए। रसखान जी की दो काव्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी है दो काव्य रचनाएं? सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। कौन कौन सी है बेटा? दो काव्य रचनाएं हैं, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। अब इसमें प्रेम वाटिका में उन्होंने प्रेम विषय श्री कृष्ण और उनके जो प्रेम विषय में जितने भी दोहे हैं वो लिखे हैं, तथा सुजान रसखान में कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये लिखे हैं, जो सवैये अपने पाठ में भी दिए हुए हैं। तो सुजान रसखान में इन्होंने कृष्ण प्रेम पर कवित और सवैये लिखे हैं। अब इनकी साहित्यिक विशेषताएं हैं कि ये एक कृष्ण भक्त थे। इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण के जितने भी उनके सिर पे मोर मुकुट उनका पहनावा था, उनके ब्रज में रहने का स्थान, गाय चराने के बारे में और कुंज करेलों के बीच बैठकर मुरली बजाने के बारे में, इन सभी की बातों में इन्हें सारी चीजें हमें अपने पदों में इन्होंने बताई हैं। और भाषा शैली इनकी बहुत ही मधुर है। रसखान जी की भाषा शैली बहुत ही मधुर है। ब्रज भाषा का इनके पदों में लिखा गया है। और जो है सारे प्रेम भाव से विभोर होकर इन्होंने अपने पदों में श्री कृष्ण जी की बाल लीलाएं का वर्णन किया है। और ये अपने मधुर प्रवाह से अपने पदों में अपनी शैली का इन्होंने वृतांत दिया है। तो बेटा ये आपका आज सवैये के कवि हैं रसखान। इनका जीवन परिचय पढ़ने पढ़ा है। इसको जीवन परिचय एक बार फिर से देख लिए। कवि है रसखान, साहित्य के मूल कवि हैं। इनका मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इनका जन्म सन 1548 ईस्वी के आसपास एक पठान परिवार में दिल्ली में हुआ है। गुरु है गोस्वामी विठलनाथ जी। और निधन है इनका 1628 ईस्वी के आसपास। इनकी दो रचनाएं बताई थी, सुजान रसखान और प्रेम वाटिका। सुजान रसखान में इन्होंने कृष्ण प्रेम पर कवि और सवैये लिखे हैं और प्रेम वाटिका के विषय में इन्होंने प्रेम विषय में दोहे लिखे हैं। साहित्यिक विशेषताओं में इसमें इन्होंने श्री कृष्ण के बारे में अपने पदों में सभी तरीके का वर्णन किया है इनकी जीवन शैली का। और भाषा इनकी बहुत ही मधुर और सुसज्जित है। धन्यवाद।